आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की जरूरतें गिनाई। मुखर्जी ने दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में भारतीय विश्वविद्यालयों के शामिल नहीं होने पर चिंता जताई और देश में कुशल पेशेवरों की तादाद को अपर्याप्त बताया। राष्ट्रपति ने ये बातें उत्तराखंड के काशीपुर IIM के दीक्षांत समारोह के दौरान कही। IIM काशीपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज काशीपुर में कहा कि देश की आर्थिक तरक्की में युवा ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने देश के शैक्षणिक माहौल का जिक्र किया और इस बात पर चिंता जताई कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल नहीं है। नो इंडियन यूनिवर्सिटी फिगर्स अमंग द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आवर एफर्ट्स मस्ट बी एम्ड एट टेकिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इनटू द टॉप लीग। राष्ट्रपति ने मैनेजमेंट सेक्टर में कुशल पेशेवरों की तादाद को जरूरत से कम बताया है। उन्होंने कहा कि सक्षम पेशेवरों की बदौलत ही भारतीय उद्योग दुनिया के शीर्ष उद्योगों को पछाड़ सकते हैं। The need for graduates and postgraduates from these streams will be much higher in the future and we must be ready to meet that demand। राष्ट्रपति मानते हैं कि भारत आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके सामने जितनी चुनौतियां हैं उससे कहीं अधिक मौके और संभावनाएं हैं। उनके मुताबिक भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर युवा भारतीय की इच्छाएं बड़ी हैं और वो बेहतर जीवन स्तर के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही चाहता है।